Hello everyone, topic name in this video lecture is second chance page replacement algorithm. Okay, ये जो algorithm है वो FIFO page replacement algorithm का modification है. FIFO में क्या होता था, first in first out, जो पहले आता था उसी को पहले जाना पड़ता था. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास थ्री फ्रेम है और तीनों में लेट्स से 502 इस तरह से पेजेस है और ये जो फिफ्थ वन है वो सबसे ओल्डेस्ट है, सो उसको स्वैप आउट किया जाएगा सबसे पहले. ओके, ये स्ट्रेटेजी फिफो की है. लेकिन फिफो का एक ड्रॉबैक है, क्या है कि वो पेज जो यूज में होता है फिर भी वो स्वैप आउट कर देता है ड्यू टू इट्स अराइवल टाइम. क्यों? क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट पेज है, उसका अराइवल टाइम सबसे पहले का है. That is why FIFO algorithm just swap out that particular page without keeping concern about whether this page is even in use or not. Okay, for example, मैंने बोला कि fifth number के page को वो swap out कर देगा, लेकिन fifth number का page तो अभी भी उसकी requirement है, अभी भी वो process में है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? और फिर अगर निकाल भी दिया तो क्या होगा, उससे हमारा page fault बढ़ेगा ही, क्योंकि in future वापस उसको लाना पड़ेगा. ओके, सो ड्यू टू दिस फीफो का जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली कम आता है. ओके, उसमें पेज फॉल्ट ज्यादा आता है. सो इस इश्यू को रिमूव करने के लिए अब ये सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहता है कि रेफरेंस बीट और अ यूज बीट, इट इज यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर पेज हैज बीन इन यूज और नॉट. ओके, यदि आपने पेज टेबल का स्ट्रक्चर देखा है तो उनमें बहुत सारे ऐसे बिट थे, रेफरेंस बिट, प्रोटेक्शन, ओके, डर्टी बिट. सो ये जो है वो कुछ ना कुछ पर्पस के लिए यूज होते थे. उसमें से एक था रेफरेंस बिट. ओके, अब ये रेफरेंस बिट का क्या है कि वो उसके हमें ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर पेज अभी भी यूज में है या नहीं है. ओके, और यहाँ पे चलिए इनिशियली इसमें क्या होता है, इनिशियली रेफरेंस बिट फॉर ऑल द पेजेस आर जीरो. एज द पेज इज रेफरेंस्ड, बिट इज सेट टू वन टू इंडिकेट दैट द पेज इज इन यूज. सबसे पहली बार जब मेमोरी में किसी पेज को लोड किया जाता है तब उसका रेफरेंस बिट की वैल्यू क्या होती है, जीरो. ओके, लेकिन अब वो वापस यदि उसका रेफरेंस आता है उस बिट, उस पर्टिकुलर पेज के लिए, तब उस बिट की वैल्यू क्या सेट कर दी जाती है, वन. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पेज वुज रेफरेंस बिट वन विल नॉट बी रिप्लेस्ड एंड विल बी गिवन सेकंड चांस. अब जिस रेफरेंस बिट की वैल्यू वन है ना, उसको स्वैप आउट के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाएगा. पॉलिसी, मेन पॉलिसी बेस क्या है, फीफो का ही है कि जो ओल्डेस्ट है उसको ही सिलेक्ट करना है. लेकिन अब आपको दूसरा स्टेप भी लेना पड़ेगा, फीफो ही है, अब यही समझिए फीफो एल्गोरिदम ही है. लेकिन यहां पर आपको रेफरेंस बिट को कंसीडर करना है. किस तरह से कंसीडर करना है कि यदि किसी पेज का रेफरेंस बिट वन सेट किया गया है और अकॉर्डिंग टू फीफो उसकी बारी है स्वैप आउट की और रेफरेंस बिट वन है, तो उसको एक चांस मिलेगा रहने का. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. ओके, यू कैन प्रोबेबली यू कैन गेट दिस टॉपिक वेरी क्लियरली यूजिंग दिस एग्जांपल. ओके, यहां पर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है ये 5021030. ओके, ये ऑर्डर इन विच पेज रिक्वेस्ट अराइव, एंड हमारे पास थ्री फ्रेम्स है और ये हमारे पेज नंबर है. ओके, 5021030, ये सारे मैंने ऐसे टेबल में नोट कर दिए. अब देखिए इनिशियली कौन से पेज की रिक्वेस्ट आती है, फाइव की. अब देखिए फ्रेम नंबर वन, टू और थ्री, यहाँ पर फाइव है नहीं है, सो दैट मीन्स ये हमारा पहला फाइव के लिए हमने उसको मेमोरी में लोड किया फ्रेम नंबर वन में. और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था कि इनिशियली रेफरेंस बिट फॉर ऑल द पेजेस आर जीरो. ओके, सो इनिशियली उसका जीरो है, उसके बाद आता है जीरो, अगेन ये भी पेज फोल्ड में काउंट होगा. ओके, और आप देखिए यहाँ पर ये जो है वो पहले आया, इसके बाद ये, मुझे ये अकॉर्डिंग टू फीफो मुझे ये ट्रैक भी रखना पड़ेगा. उसके बाद आता है टू. ओके, सो टू के लिए भी रेफरेंस बिट जीरो. क्यों है, बिकॉज इनिशियली हर पेजेस के लिए रेफरेंस बिट की वैल्यू जीरो होती है. अब देखिए अब आता है वन. अब पहले आपको क्या चेक करना होगा कि अकॉर्डिंग टू फीफो किस फ्रेम को आपको स्वैप आउट करना होगा. अकॉर्डिंग टू फीफो ओके, यहाँ पे हो गया. आफ्टर दैट यहाँ पे फ्रेम टू, ये जो है वो तो न्यूएस्ट है, ये उससे पहले है, सो ये जो है वो सबसे पुराना है. ओके, इसकी रेफरेंस बिट की वैल्यू चेक कीजिए,
जीरो है, दैट मीन्स ये रेफरेंस बिट वन नहीं है, दैट मीन्स हम उसको स्वेप आउट कर दें, उसको सेकंड चांस की जरूरत नहीं है. सो ये मैंने कर दिया उसको स्वेप आउट. ओके देखिए ये जो है वो पहली बार लोड हुआ, सो इसके लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, बाकी सब एज इट इज. ओके सो स्वेप आउट लास्ट कहां पर परफॉर्म हुआ था, यहां पर, मतलब अब जब नेक्स्ट बारी आएगी तो किसकी बारी आएगी, यहां पर. ओके ओके चलो अब देखते हैं यहां पर कौन सी पेज नंबर की है, जीरो आता है. ओके तो अब देखिए जीरो तो यहां पर ऑलरेडी है मेमोरी में, सो पेज फॉल्ट नहीं काउंट होगा अकॉर्डिंग टू फीफो. ओके सो फीफो अकॉर्डिंग टू वो तो हमने कर ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ अब क्या एक चेंज आपको करना पड़ेगा, उसकी रेफरेंस बीट की वैल्यू देखो मैंने जीरो कर दी, सॉरी वन कर दी. ओके सो यहां पर एक ही जो ऑलरेडी जो मेमोरी में जो पेज है और उसकी रेफरेंस बीट की वैल्यू जीरो है और उसकी रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जीरो की रिक्वेस्ट आई और जीरो हमें मिल गया, सो इसकी रेफरेंस बिट की वैल्यू मैंने चेंज कर दी वन से. ओके ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती कर दी तो आपका पूरा का पूरा एल्गोरिदम गलत हो सकता है. ओके बाकी सब चीजें एक उस वैसी की वैसी. ओके अब आता है पेज नंबर थ्री. अब पेज नंबर थ्री देखिए लास्ट स्वेप आउट कहां परफॉर्म हुआ था, यहां पर फ्रेम वन पर. सो फीफो के अकॉर्डिंगली किसकी बारी आनी चाहिए, सोचिए फीफो के अकॉर्डिंग किसकी बारी आई, लास्ट यहां पर हुआ था, तो फीफो के अकॉर्डिंग फ्रेम नंबर टू की बारी आनी चाहिए, दैट मीन्स जीरो को स्वेप आउट करना चाहिए, लेकिन वो स्वेप आउट नहीं होगा. क्यों? बिकॉज उसको सेकंड चांस मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसकी रेफरेंस बीट की वैल्यू कौन सी है, वन. ओके सो यहां पर से स्किप होकर यहां पर ये जो टू वाला पेज नंबर है उसको स्वेप आउट करना होगा. और अब आप देखिए यहां पर उसको एक ही सेकंड चांस मिलेगा ना, सो वन थी उसकी बारी आई लेकिन उसकी रेफरेंस बिट की वैल्यू वन थी, सो इसके लिए वो स्वेप आउट नहीं होगा, उसके नेक्स्ट फ्रेम में जो पेज है उसको स्वेप आउट करना होगा. अब उसको तो सेकंड चांस मिला था ना, ऐसा आपको ऐसा इट्स काइंड ऑफ अ कूपन. ओके एंड कूपन आप एक ही बार यूज करते हैं, उसको कोड को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं. ओके सो इट इज लाइक दैट, यहां पर वन था तो अब एक बार उसको चांस मिल गया तो अगेन यहां पर उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो. ओके अब देखिए वापस जीरो की एंट्री आती है, सो अगेन रेफरेंस बिट चेंज फ्रॉम जीरो टू वन, बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज. ओके अब देखिए लास्ट स्वेप आउट कहां पर हुआ था, यहां पर. ओके सो अब अकॉर्डिंग टू फीफो किसकी बारी आती है, ये फ्रेम वन की. ओके तो फ्रेम वन में पेज टू का हो गया. क्यों हो गया इतना इजीली, बिकॉज वन की जो रेफरेंस बीट है, वन की रेफरेंस बीट क्या है, जीरो. ओके सो उसको स्वेप आउट कर सकते हैं. उसके बाद आता है फोर. अब देखिए अकॉर्डिंग टू फीफो किस फ्रेम को स्वेप आउट होना चाहिए, फ्रेम टू, लेकिन उसका रेफरेंस बीट की वैल्यू क्या है, अगेन वन. सो इसको हम नहीं करेंगे, उसको एक चांस देंगे कि भाई तुम मेमोरी में रह सकते हो, तुम्हारा अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है. ओके सो ये फोर है वो थर्ड फ्रेम में लोड होगा. ओके आफ्टर दैट अब देखिए ये जो थर्ड नंबर का जो पेज आता है, लास्ट फीफो के अकॉर्डिंग टू यहां पर स्वेप आउट परफॉर्म किया था, सो अब किसकी बारी आएगी, यहां पर. ओके टू जीरो, तो वहां पर थ्री जीरो हो गया. ओके अगेन अब किसकी बारी आती है, जीरो की. सो जीरो एक बार ऑलरेडी था. ओके और उसको अगेन उसका रेफरेंस हुआ, दैट इज वाई बीट चेंज फ्रॉम जीरो टू वन, यहां पर पेज फॉल्ट नहीं होगा. ओके उसके बाद कौन आता है, थ्री. अब देखिए थ्री भी ऑलरेडी है, जो पेज ऑलरेडी है और उसकी रेफरेंस बीट की वैल्यू जीरो या फिर वन है तो ही उसकी वैल्यू वन सेट करनी है. ओके तो यहां पर देखिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, वन. अब देखिए यहां पर टू आने, ओके ये इंपॉर्टेंट है. अब देखिए लास्ट में यहां पर स्वेप आउट कहां परफॉर्म हुआ था, फ्रेम नंबर वन, तो अब किसकी बारी आती है, फ्रेम टू की बारी आती है. ओके फ्रेम नंबर टू में कौन सा बीट है, जीरो वन, जीरो वन. ओके सो जीरो वन में ऑलरेडी है, सो हमें उसको जंप करना पड़ेगा और यहां पर फोर जीरो पर टू लोड होगा. तो ओके किया, लेकिन अब देखिए इसकी बारी थी स्वेप आउट की, लेकिन उसको एक चांस मिला था, उसका जो कूपन कोड था, सो उसने अप्लाई कर दिया और उसकी वैल्यू अब जीरो हो गई रेफरेंस बिट की. ओके और टू नेक्स्ट पेज में फ्रेम थ्री में आ गया. अब कौन आता है, वन. ओके यहां पर वन. अब देखिए लास्ट कहां पर पेज रिप्लेसमेंट होता है, यहां पर. सो
अकॉर्डिंग टू फीफो किस फ्रेम की बारी आती है? फ्रेम वन की। लेकिन फ्रेम वन में जो पेज है उसकी रेफरेंस बिट की वैल्यू क्या है? वन। ओके, सो उसको जंप करके वो जीरो में जाएगा, देखिए। ओके, और थ्री को जो लास्ट चांस मिला था, सेकंड चांस, वो उसने अप्लाई कर दिया, सो इसकी वैल्यू हो गई, रेफरेंस बिट की वैल्यू हो गई जीरो। ओके, सो वन यहां पर लोड हुआ सेकंड फ्रेम में। अब कौन आता है? थ्री। तो अगेन थ्री ऑलरेडी मेमोरी में है और अगेन वो रेफरेंस होता है, सो जीरो की वैल्यू वन, दैट इज रेफरेंस बिट चेंज फ्रॉम जीरो टू वन। ओके, आफ्टर दैट जीरो। अब देखिए यहां पर लास्ट है, ओके, लास्ट यहां पर हुआ था, सो अब किस फ्रेम में होगा? फ्रेम नंबर थ्री, टू की रेफरेंस बिट जीरो ही है, सो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको स्टेप आउट करने में। आफ्टर दैट आता है वन, वो ऑलरेडी हमारे पास है, सो इसका रेफरेंस बिट चेंज होके क्या हो जाएगा? जीरो टू वन। ओके, अब आता है फाइव। अब देखिए लास्ट स्वेप आउट कहां पर परफॉर्म होता है? यहां पर, ये जो लास्ट स्लॉट है यहां पर। ओके, सो अब अकॉर्डिंग टू फीफो किसकी बारी आती है? जो फ्रेम नंबर वन में है। लेकिन देखिए फ्रेम नंबर वन में जो पेज है उसका रेफरेंस बिट वन है, सो उसको स्वेप आउट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट, यहां पर जो पेज है फ्रेम नंबर टू में उसका रेफरेंस बिट भी वन है, सो इसको भी नहीं कर सकते। सो ये फ्रेम नंबर थ्री में हमें फाइव को लोड करना होगा। ओके, दे तो देखिए फाइव जीरो, और इसको स्वेप आउट की बारी थी लेकिन उसको चांस मिलता है इन दोनों ही फ्रेम में, दैट इज वाई बिट चेंज फ्रॉम वन टू जीरो। ओके, सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कब आपको जीरो टू वन ट्रांजेक्शन करना है और कब वन टू जीरो। ओके, जब पेज ऑलरेडी मेमोरी में है और उसकी रिक्वेस्ट आती है तब उसका ट्रांजेक्शन फ्रॉम जीरो और वन टू एनीथिंग टू वन होगा। ओके, उसका बिट आपको वन सेट करना है, और जब उसको स्वेप आउट की बारी आती है लेकिन उसका रेफरेंस बिट वन है इसके लिए उसको सेकंड चांस मिलता है, तो उसकी नेक्स्ट उसकी वैल्यू है क्या हो जाती है? जीरो। टोटल यहां पर पेज फॉल्ट कितने हैं? 12। ओके, सो यदि आप इसको फिफो से इम्प्लीमेंट करते हैं टोटल आपको फ्रेम पेज फॉल्ट मिलते हैं 15, लेकिन अगर आप सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से यूज करते हैं तो उसको पेज फॉल्ट आते हैं 12। सो परफॉर्मेंस गेनिंग मिलती है फीफो एल्गोरिथम में। ओके, तो ये था सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम।